यहाँ पर एक शख्स है जो जिनकी शॉप यहाँ पर है, सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर ये कितने बजे घटना आपने कुछ देखा था यहाँ पर? ये लगभग 6:15 के आसपास की है। एकदम पहले तो शोभा यात्रा निकली, तो उसके बाद पब्लिक आई, इधर से क्यों आई क्या हुआ हमें नहीं पता जी। तो एकदम यहाँ पब्लिक भागी आई, तो हम कुछ नहीं संभल पाए, हमें नहीं पता क्या हो रहा, क्या सोचे, हम दुकान में घुस गए। ये बताइए जो इतने ये कांच के यहाँ पे बोतले पड़ी है, वो ये कैसे है सब? उधर से पथराव हुआ ना, पथराव हुआ है। हाँ, पथराव हुआ उधर से जी। उस टाइम यही था। हाँ, तो मतलब जब इधर से पहले मीडियम था, फिर उसके बाद जब तेजी हुए तो मतलब हम लोग अंदर हुए। पहले मैं यहीं छुपा था, फिर यहाँ से मैं देख रहा था, यहाँ से कम से कम इनका पैसा काफी सारा ले गया, मैं इनका ही लेबर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है राजकुमार। आपका नाम क्या है सर? सुरेश कुमार। ये शोभा यात्रा कहाँ जाना थी यहाँ रूट से? अब मुझे इधर से आई थी जी और यूँ निकली थी। और कितने लोग होंगे कुछ अंदाजा लग रहा है? अंदाजा में 4-5 आदमी तो होगा। और ये जो उपद्रवी शरारती तत्व, ये कितनी भीड़ थी इनकी? हजारों में। अच्छा, ये अचानक से आए एकदम? अचानक। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची है यहाँ पर? पुलिस तो जी मेरे 20-25 मिनट बाद 2-4 आए जी। अब 2-4 क्या कर लेते? पुलिस कर्मी साथ में थे, शोभा यात्रा चली थी जब? मुझे नजर नहीं आया, कोई नहीं था, कोई नजर नहीं आया पुलिस कर्मी। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे बिल्कुल यहाँ के हालात जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। एक शख्स यहाँ पर हमारे साथ है, इनसे जानने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये पूरा हुआ क्या था। भाई साहब ये क्या हुआ था, क्या देखा, आंखों देखा हाल बताइए, जो सच आपने देखा है। सर लगभग 6:20 के आसपास की बात है, मैं यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी, तो मुझे आवाज़ आई कि भागो भागो दंगा हो गया है। जब दंगा हो गया फिर मैं अचानक एकदम से महसूस हुआ मुझे खतरा की, तो मैंने सामान अंदर करने की कोशिश करी। जब सामान अंदर करने की कोशिश करी तो जितना मैं कवर कर सका अपनी जो बाहर होता है वो मैंने कवर किया। ये आपकी दुकान ये में ये जो पूरा उथल पुथल हो रखी है, क्या हुआ? ये लूटपाट जब हो चुकी थी उसके बाद जो बचा खुचा था इसमें से कैश जा चुका है। आनंद मौके की ये पूरी तस्वीर यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें बाकी भी चल रही हैं वो भी पहुंचा देते हैं, लेकिन इन चश्मदीदों से आप इसी तरह से बातचीत करते रहिएगा। और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मौके की तस्वीर है, जहां पर ये बता दें कि फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन हमारे सहयोगी आनंद तिवारी पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ वो बता रहे हैं पूरे फैक्ट्स यहां पर दर्शकों के सामने बता रहे हैं कि आखिर चश्मदीदों ने क्या कुछ देखा। आनंद हम चाहेंगे कि जो बातचीत आप कर रहे हैं उसमें ये जरूर जानने की कोशिश करें कि जब भगदड़ हुई, जब पथराव हुआ, तो पथराव करने वालों की तादाद कितनी थी? क्या किसी ने देखा कि अपने हाथों से कोई कांच की बोतल फेंक रहा हो या पत्थरबाजी कर रहा हो? क्या उस वक्त पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद? मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस तरह से, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें दिख रहा है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो ये दुकानदार है उन्होंने हमें दिए हैं, कि इसमें पूरा दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे देखिए इनकी दुकान में जो है वो लूटपाट भी की गई है। जो शख्स है वो पूरा अपना घटनाक्रम बता रहे। एक बार आपका नाम भाई साहब, आपका नाम जाना चाहिए और घटनाक्रम बताइए। जी मेरा नाम संदीप गर्ग है। 6:20 के आसपास की बात है, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो वहाँ से बंदे भाग के आए, उन्होंने बोला कि भाई दंगा हो गया है जी। तो मुझे देख के घबराहट हुई। और ये क्या है, ये थोड़ा इसको ही बताइए जी, बताइए इसको सामने दिखा के कैमरे पे जी। ये मैं अपनी दुकान का सामान समेट रहा हूँ दंगे से पहले। जब भीड़ इधर उधर भाग रही थी तो अपना सामान समेट रहा था कि कुछ तो बचा लूँ मैं जी, लेकिन मैं अपना कैश नहीं बचा पाया, कैश नहीं बचा पाया, कुछ सामान जो बाहर और नीचे रखा होता वो सब लुट गया है जी, जी। और ये लगभग 20,000 रुपए के आसपास जो मेरा अंदाजा है, और बाकी मुझे बाद में पता लगेगा, जो कैश था वो यहाँ से लुट गया है। और ये इतने सारे यहाँ पे कांच की बोतलें पड़ी है, ये सब क्या लेके आए थे उग्रवी? ये पथराव हुआ था सर, पथराव हुआ था, ये पथराव हुआ था। कितनी भीड़ होगी कुछ? सर भीड़ तो बहुत थी। आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप जी, देखिए संदीप पूरी आंखों देखी हाल यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी दुकान में लूटपाट भी जो उपद्रवी है उन्होंने किए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई किस तरह से जो आवाज आ रही है, जो भीड़ है उसकी आवाज आ रही है। और देखिए ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जगह जगह यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं और जो कांच के टुकड़े वो ये गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से एक प्री प्लानिंग के साथ जो है ये देखिए चप्पलें लोगों के। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से जाकर आपने पहुंचाई हमारे दर्शकों तक, वो एक बार फिर से हम पहुंचा दें कि कुछ देर पहले यानी कि ठीक अभी बातचीत
बातचीत हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने उस चश्मदीद से की जो उस वक्त अपनी दुकान पर मौजूद है, और बाकायदा वो सीसीटीवी फुटेज भी यहां पर दिखाया। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त भी हम आप तक पहुंचाएंगे, कुछ देर बाद भी वो फुटेज आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें उस संदीप गर्ग नाम के जो मालिक है अपने स्टोर के, उन्होंने कहा कि किस तरह से उपद्रवी पहुंचते हैं। ये पूरी भगदड़ यहां पर मचती है, पत्थरबाजी यहां पर होती है, और साथ ही साथ उनके काउंटर पर जो कैश रखा था वो भी लूटकर वो उपद्रवी चले जाते हैं, और किसी तरह से वो अपनी जान यहां पर बचाते हैं। लेकिन जो सीसीटीवी लगा हुआ था उनकी दुकान पर, उसमें ये सारी तस्वीरें कैद हो गई जो इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने आप तक पहुंचाई। ठीक उनके मोबाइल से वो तस्वीरें यहां पर देखी गई जो कि सीसीटीवी से कनेक्ट था, और देखा किस तरह से पूरी भगदड़ यहां पर मची और किस तरह से उन्हें अपनी जान यहां पर बचानी भी मुश्किल हो गई थी। एक बार फिर से आनंद आपकी तरफ रुख करेंगे मौके की तस्वीर दिखाते हुए। कुछ और चश्मदीद अगर आप मिले तो उनसे बातचीत जरूर करिए कि कितनी तादाद में आखिर सोची समझी साजिश के तहत ये लोग यहां पर पहुंचे और पत्थरबाजी की। जी देखिए रीमा, हम एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए एक स्कूटी थी जिसको आग के हवाले कर दिया है उपद्रवियों ने, शरारती तत्वों ने, और देखिए पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है स्कूटी। जो आगजनी की खबर जो दिल्ली पुलिस बता रही थी, देखिए वो यहाँ पर पुख्ता होती नजर आ रही है कि किस तरह से स्कूटी में भी आग लगाई गई है। यानी कि अब बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरीके से पूरी प्री प्लानिंग के साथ इस शोभा यात्रा पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है, और उपद्रवी जो है वो काफी ज्यादा तादाद में थे। जैसा कि हमने दो दुकानदारों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी दुकान में लूटपाट तक की गई है, और जो कैश था वो लेकर जो उपद्रवी भागे हैं, और उनकी दुकान में पूरा उथल पुथल जो आप देख सकते हैं, और ये स्कूटी गवाही दे रही है कि किस तरह से आगजनी हुई है। जैसा कि हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे, वो तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ रही है, और हूबहू वही तस्वीरें, हमने वो पूरा कवरेज किया था कई दिनों तक, किस तरह से वहां पर भी इस तरह से पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, और ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से एक पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह से शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया, और एक जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल इलाके में पूरी तरह से शांति कायम है, तमाम लोगों को घरों में रहने की इजाजत दी गई है। और देखिए एक और शख्स यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं वो कुछ सच बता पाए। घटना के समय आप थे यहाँ पर? नहीं सर, हम और कहीं था। और कहीं था? अच्छा, आप और कहीं थे। देखिए कुछ और लोग भी हैं, इन्हें भी यहाँ पर बोला गया है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? यहीं के रहने वाले हैं। घटना के समय कहाँ थे आप? घर पे गली में थे जी। कुछ क्या देखा आपने? देखा ये जी, उधर से पत्थर चालू थे, इधर के लोग भाग थोड़ा गया। हाँ, पत्थर चालू थे यहाँ पे। हाँ, पत्थर उधर से चला रहे थे लोग, इधर को भाग रहे थे जी। बजरंग वाले जो इधर को भाग रहे थे, उधर से पत्थर चला रहे थे। अच्छा, इधर जो बजरंग बली की वो आ रही थी, उधर को फिर वो सारे लोग भाग रहे थे। शोभा यात्रा इधर किस साइड से आ रही थी? इधर से आ रही सर, इस तरफ जा रही थी। ये कौन सा इलाका लगता है? ये धोबी घाट है। कहाँ तक जाना था ये, कुछ आइडिया? शोभा यात्रा इधर से निकल के, इधर से निकल। कितने बजे की घटना थी? पूरी 6 बजे, 6:30 बजे। तो ये तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई। लोग थे 500 लोग थे। अच्छा, जिन्होंने अटैक करा यहाँ पे। आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम रहते हैं यहाँ पे काम। अच्छा, आप लोग रहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पूरा हालात बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 6:30 के बीच जो है वो अचानक से शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया, और एक तरीके से बिल्कुल पत्थरबाजी करना शुरू कर दी गई। तमाम लोगों को देखिए घरों में रहने की सलाह दी गई है, और कहा है कि वो घरों में रहें फिलहाल, जब तक कोई विशेष काम ना हो वो घरों से बाहर ना निकलें अगर कोई ज़रूरत ना है, और शांति बना रखें। देखिए ये पूरा ग्राउंड जीरो की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि काफ़ी स्लम इलाका भी यहाँ पर लगता है, और देखिए यहाँ पर भी देखिए तमाम जगहों पर आप पत्थर, इतने ज़्यादा पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। ये जाहिर तौर पर पहले से इकट्ठा किए गए थे, और उसके बाद अचानक से जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर ये पत्थर बरसाना शुरू हुए हैं, और उसके बाद भगदड़ मच गई है, और उसके बाद झुटपुट जो आगजनी की घटना हुई, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि एक स्कूटी जो है उसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस के लिए चुनौती है कि जो भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जाए। स्पेशल क्राइम ब्रांच जो पूरी लार्ज कॉन्स्परेसी है उसकी जाँच करेगी। FIR इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है, और करीबन 10 टीमें बना दी गई हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो लोगों से बात करें, कई चश्मदीदों के बयान लें, और अगर घटना जुड़े कोई ऐसे सबूत सामने आते हैं जिसके आधार पर अगर उपद्रवी या शरारती तत्वों की पहचान होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तब पता चल पाएगा कि इसके पीछे आखिर कौन लोग थे, क्या ये पूरी तरह से बिल्कुल, और इनका पता चलना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, आखिर वो कौन से उपद्रवी रहे, वो कौन से नकारात्मक तत्व रहे जिन्होंने इस पूरे माहौल को बिगाड़ने के लिए आज का दिन चुना। बाकायदा पत्थरबाजी यहां पर की गई, और जिस तरह से कांच की बोतलें टूटी हुई है, क्या उनका भी इस्तेमाल यहां पर हुआ? और जो मौके से हमें हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दिखा रहे हैं जो तस्वीर, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि किस तरह से
6 से 6:30 के बीच में ये पूरी भगदड़ मचती है और फिर अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की जा रही है। हालात इस वक्त काबू में है, लेकिन उसके चलते यहाँ पर कहा जा सकता है कि फिलहाल नजर बनी हुई है और जांच भी जारी है। क्या कुछ कहा जा सकता है आनंद, क्योंकि आप इस वक्त मौके पर मौजूद है और अब तक कई चश्मदीदों से आप बातचीत कर चुके हैं, क्या मिला जुला सार फिलहाल निकल रहा है? भगदड़ मचती है, पथराव यहां पर होता है, कितनी तादाद में ये लोग आते हैं और फिर किस तरह से ये पूरा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला माहौल बन जाता है? जी देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो बात करने जाते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर इन्होंने कुछ सच देखा है तो वो सच ही बताएं। अगर आपने आंखों देखा कुछ देखा है तो वही आप कैमरे बताइए जो सच्चाई आपने देखी अपनी आंखों से। जी जी, मैं यहाँ का RWA का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का मैं। चलते चलते बताइए जी। और जी बताइए, यहाँ क्या था कि यहाँ वो अपना हनुमान जयंती का एक जुलूस निकल रहा था जी, जो दो झांकियाँ जा चुकी थी जी, जो आखिरी झांकी जो थी जी तो मस्जिद के सामने से जब निकल रही थी तो उन्होंने जो अपना जय श्री राम का नारा था, हनुमान जी का नारा था, वो लगना वहाँ लग रहा था। इतने में कुछ उपद्रवी तत्व जो वहाँ पे पथराव उनके ऊपर कर दिया, क्योंकि जो जय श्री राम के नारा थे जो रैलियों में जा रहे थे उनके वो एक भगवा गमछा था और उनके हाथों में कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और इसके बाद पथराव जब होने लगा, फिर वो भी रुक के जब अपना बचाव करने लगे तो मस्जिद से करीब 3,000 की भीड़ तीनों मंजिलों में। ये शोभा यात्रा किस रूट से आ रही थी, कहां तक जाना था इसको? ये ए ब्लॉक जहांगीरपुरी ए ब्लॉक से स्टार्ट हुई थी, सी ब्लॉक बी ब्लॉक के मार्केट से होते हुए और इस रोड पे आके ये मस्जिद के सामने से ये रोड ऐसे जाके और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पे समाप्त होनी थी। अच्छा, ये बताइए इस इलाके की पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे, यहाँ पर किस तरह के मतलब क्या नौकरी पेशा लोग रहते हैं, यहाँ मजदूर है या क्या जॉब करने वाले हैं, क्या है? ये एक बस्ती है जहांगीरपुरी, जैसे अपनी होती अर्बन बस्ती, यहाँ सारे लोग काम धाम करने वाले हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले, कोई अपना रेडी ठेली लगा के यहाँ गुजारा करने वाले लोग हैं और इनका तो दूर दूर से नाते ही नहीं जी, क्योंकि जो रूट है जिसपे हम पत्थर देख रहे हैं, इस रूट पे क्या जाना था शोभा यात्रा को? हाँ, यहाँ से निकलना था, आगे वो चौक है, चौक से सीधा वहाँ मेट्रो पे, आदर्श नगर मेट्रो पे, वही समापन था इसका। तो हम आगे चौराहा देख रहे थे, वहाँ से लेफ्ट में जो आप बता रहे हैं वहाँ से शोभा यात्रा आ रही है, वो ए ब्लॉक से होके मस्जिद के सामने से, मस्जिद के सामने से इधर को ये जानी थी शोभा यात्रा। जिस दुकान पे लूटपाट हुई है वहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा पथरा हुआ है, वहाँ पथरा हुआ है, बोतलें चली हैं, ये पूरा दुकान वहाँ से यहाँ तक लूटा गया है। नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रमणि तिवारी है, मैं यहाँ RWA का यहाँ का प्रेसिडेंट हूं। ये इंद्रमणि तिवारी है, ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकली थी, और उसे देखिए सबीना, इस रूट पर जाना था इस शोभा यात्रा को, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स यहां भी तैनात कर दी गई है और इस शोभा यात्रा को यहां तक जाना था, लेकिन उसके पहले ही जो उपद्रवी है शरारती तत्व, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इतनी ज़्यादा पत्थरबाजी हुई है जिसकी जो बानगी आप सड़कों पर देख सकते हैं, जगह जगह पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच की बोतलें टूटी नजर आ रही हैं, एक गाड़ी है उसे आग के हवाले कर दिया गया है, दमकल कर्मी भी यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आई हुई हैं, 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए उस पूरी घटना में। और देखिए ये पूरी तस्वीरें मेरे कैमरा से नसीब आपको दिखाएंगे थोड़ा और आगे कि किस तरह, देखिए आप दूर दूर तक देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो जगह जगह तैनात कर दी गई है, लोगों से कहा है कि वो शांति बना रखें, बिल्कुल भी जो है वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, और पुलिस ने ये भी कहा है कि जो अफवाह फैलाएगा या शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि खुद गृह मंत्री जो हैं देश के वो इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से फोन पे बात कर रहे हैं, उन्होंने दीपेन पाठक से जो मौके वारदात पर मौजूद थे जिन्होंने न्यूज 18 से अभी बात की और पूरा घटनाक्रम बताया कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और हम लोगों से डोर टू डोर जाकर अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें, अमन कमेटी के लोगों से भी बात कर रहे हैं कि वो लोगों को ये सलाह दें और ये लोगों को इंश्योर करें कि अब कोई भी यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो देखिए ये पूरी तस्वीरों, देखिए आगे वज्र वाहन यहाँ पर खड़ा है, ये पूरे देखिए रिहायशी इलाका है, यहाँ पर हर अलग तबके के लोग रहते हैं, नौकरी पेशा भी है, मजदूर कस्म के लोग भी है, और ये शोभा यात्रा इस तरफ जाना था जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जगह पर जगह जगह जो है वो पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरे हालात के जायजा लिए हुए हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आनंद, क्या कुछ और मौके से निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमारे जो दर्शक है जाहिर सी बात है ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आपके जरिए, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, किस तरह से पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर टूटी हुई कांच की बोतलें नजर आ रही है, एक बार फिर से चाहेंगे कि आप तफसील से ये पूरी तस्वीर दिखाएं। जी देखिए बिल्कुल, देखिए ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दुकानें हैं, लोगों के घर भी हैं, और ये देखिए जहांगीरपुरी H1 ब्लॉक इसे बोलते हैं, यहाँ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ये पूरा ब्लॉक आता है, जहांगीरपुरी H1 ब्लॉक इसे कहते हैं इस जगह को, और क्या कहते हैं यहाँ पर
नियर बाय कुशल सिनेमा, कुशल धोबी घाट, कुशल सिनेमा। और ये रोड कहाँ जा रहा है आगे? ये आदर्श नगर, ये आदर्श नगर जा रहा है। ये शोभा यात्रा को आदर्श नगर जाना था? नहीं, यहाँ से गए थे वो लोग। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कुछ लोग भी बयान दे रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल ऑफिशियल जो पुष्ट खबरें वही दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करें जिन्होंने जो चश्मदीद थे, जिन्होंने पूरी आंखों देखा, घटनाक्रम देखा है। लेकिन देखिए यहाँ का पूरा इलाका देखिए, अब जगह जगह जो है वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, कई जिलों की फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। खुद कई DCP जो हैं, चाहे नॉर्थ वेस्ट जिले के हों या नॉर्थ जिले के हों, वो मौके पे हैं, एडिशनल DC मौके पर, और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो लोग हैं जो उत्सुकतावश घर से बाहर निकलकर हालात देखने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनसे भी अपील कर रही है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो और शांति बनाए रखें। और पुलिस ने कहा है कि जब तक पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में नहीं हो जाएगी, हालांकि स्थिति कंट्रोल में, तब तक पुलिस की डिप्लॉयमेंट, पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो जगह जगह यहाँ पर हर गली नुक्कड़ चौराहे पर यहाँ पर तैनात की जाएगी और की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं। आनंद, यहाँ पर आपने बातचीत की है लोगों से, डोर टू डोर भी बातचीत यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जरिए की जा रही है, क्या आप भी ये बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि लोगों से जाना जा सके कि किसी तरह का डर या किसी तरह की शंका तो उनके मन में मौजूद नहीं है? और अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आ चुका है? जी देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को भी इस पूरी जांच का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि दोनों काफ़ी एलीट फोर्स हैं जो जो कॉन्स्परेसी हुई है उसकी जांच करेंगी कि कौन कौन लोग इस कॉन्स्परेसी के पीछे शामिल थे। लोकल पुलिस जो है या जो स्पेशल स्टाफ हैं जिलों के, वो भी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। तमाम CCTV फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो चश्मदीद पुलिस, उनके बयान लेगी इसमें, और ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पूरा रूट क्या था शोभा यात्रा का। शोभा यात्रा जुड़े जो तमाम संयोजक आयोजक हैं उनसे भी पुलिस बात करने की कोशिश करी। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसके जवान यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सड़क है जो देखिए, इसमें जहाँ जगह जगह आप देखिए केवल यहाँ पर पत्थर आपको सबीना बिखरे नज़र आएंगे और कांच की बोतलों के टुकड़े जो हमें आपको लगातार दिखाए हैं वो जगह जगह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से दुकानदार थे, काफ़ी हाथ थे कि वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर लूटपाट हुई है। उनका कैश जो है वो लेकर जो शरारती तत्व है, उपद्रवी तत्व है, वो लेकर चले गए। उन्होंने CCTV फुटेज के जरिए हमें वो घटनाक्रम दिखाने की कोशिश भी की। एक और शख्स थे जिनकी दुकान यहाँ पर थी, जो देखिए तस्वीरों में अभी दुकान अपनी यहाँ पर बंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा आंखों देखा हाल हमें बताया News18 को कि किस तरह से जो शरारती तत्व है उन्होंने इस शोभा यात्रा पर हमला किया और उसके बाद स्थिति एकदम से तनावपूर्ण बन गई। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए फोर्स जो है वो पूरी तरह से तैनात की गई है, मुस्तैद है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़े बड़े टॉर्च से जो पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और लगातार जो है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश भी करेगी कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे और क्या किस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। आनंद, तस्वीरों के साथ में ही इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे, क्योंकि अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। BJP कह रही है कि कई प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है कि रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो भी आसपास के इलाकों में, यहाँ से सटे हुए इलाकों में रहते हैं, पूछताछ होनी चाहिए, सख्ती यहाँ पर होनी चाहिए, पहचान पत्र तक टटोला जाना चाहिए कि कहीं इस वारदात को अंजाम देने के पीछे उनका हाथ तो नहीं है।